तमिलनाडु में बिहारियों पर हुए हमले को लेकर एक्शन में आई बिहार सरकार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार के विशेष जांच दल तमिलनाडु के लिए रवाना हो चुकी है, जो वहां पहुंचकर एक एक चूजों को देखेगी, बहुत जल्द रिपोर्ट आ जाएगी। मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सीएम से की थी मुलाकात। सिन्हा ने इस मुलाकात में बिहारियों की रक्षा करने के मुद्दे पर की थी चर्चा। परसों ही जब जानकारी अखबार में मिली तो उसी समय हमने अपने अधिकारियों को कह दिया कि जरा पता करिए। उन लोगों ने यहाँ बात किया और कल कहा कि यहाँ से टीम भेज दीजिए, वो टीम जा रही है और जाकर के किस चीज को देखेगी। तेजस्वी यादव ने बीजेपी को दिया जवाब, कहा तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर नहीं हुए हमले, ये बात सरासर झूठी है। बीजेपी गलत बयानबाजी कर रही है, जो वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं अब वो सब फेक हैं, जिनका खंडन तमिलनाडु के डीजीपी शैलेंद्र बाबू ने भी किया है। डीजीपी ने कहा है कि जितने वीडियो आ रहे हैं वो सब फर्जी हैं, तमिलनाडु में रहने वाले सारे बिहारी सुरक्षित हैं, उनके मान सम्मान और जीवन का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। शैलेंद्र बाबू पुलिस महानिदेशक और पुलिस बल तमिलनाडु का प्रमुख बोल रहा हूँ, बिहार में किसी ने ये कहते हुए एक झूठा और शरारती वीडियो पोस्ट किया है कि तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी श्रमिकों पर हमला किया गया है। दो वीडियो पोस्ट किए गए हैं, जिस वीडियो का शायद हो सकता आप जिक्र कर रहे हो, दोनों वीडियो झूठे हैं। ये दोनों घटनाएं काफी पहले त्रिपुर और कोयंबटूर जिलों में हुई थी। बिहार पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, आईपीएस राजीव मिश्रा बने पटना के नए एसएसपी। 2010 बैच के अफसर हैं आईपीएस राजीव मिश्रा। वहीं मानवजीत सिंह ढिल्लो बने आर्थिक अपराध इकाई के डीआईजी। गृह विभाग ने जारी की अधिसूचना। यूपी में काबा की मशहूर गायिका नेहा सिंह ठाकुर पहुंची पटना। कानपुर पुलिस के द्वारा भेजे गए नोटिस के बारे में नेहा सिंह राठौर ने कहा था कि वो अनलीगल नोटिस था। इस तरह के नोटिस पहले थाने में एफआईआर दर्ज की जाती है, उसके बाद ही दी जाती है। मेरे लिए केस में थाने में कहीं एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, इसलिए ये अनलीगल साबित हो गया है। वहीं पटना में काबा पर नेहा सिंह राठौर ने कहा कि पटना में हमार नैहर बा। पटना में काबा, पटना में हमार नैहर बा महाराज, पूछे कि कौन बात बा। तो मेरे ऊपर जो धारा लगाई गई थी वो 160 सीआरपीसी थी, जो बिना एफआईआर दर्ज किए नहीं लगाया जा सकता है, तो वो पूरी तरह से इल्लीगल था, उसका जवाब दे दिया गया। चतरा के भागपा माओवादी नक्सलियों को तगड़ा झटका, नक्सली गौतम पासवान और रामाशीष यादव गिरफ्तार। डीजीपी अविनाश कुमार ने की पुष्टि, 25 लाख का इनामी था सैक सदस्य गौतम पासवान। रामाशीष यादव उर्फ चलीचर यादव पर था 15 लाख का इनाम, पुलिस की स्पेशल टीम ने कोल्हुआ इलाके से किया गिरफ्तार। रविशंकर प्रसाद के साथ होली मिलन समारोह में पहुंचे चिराग पासवान। रविशंकर के द्वारा तिलक लगाने से चिराग पासवान को आई पिता की आज। चिराग ने कहा कि रविशंकर जी द्वारा तिलक लगाने से पिता की याद आई, वो भी इसी तरह से तिलक लगाया करते थे। वहीं रविशंकर प्रसाद ने कहा कि होली के दिन चिराग बाबू, मुझे आपसे यही कहना है कि इसमें सद्भाव और प्यार आए और बहुत कुछ बदलना है बिहार में। अब आज के होली के दिन चिराग बाबू, मुझे आपसे यही कहना है, सब में सद्भाव आओ, प्यार आए और बहुत कुछ बदलना है बिहार में। और मोदी सरकार के विकास मॉडल पर प्रवीण तोगदिया ने किया सवाल, कहा कि मोदी सरकार में गरीबों की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। बड़े बड़े नेशनल हाईवे तो बने हैं, लेकिन जीडीपी में 4% की गिरावट आई है, जिसमें 4 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। तोगदिया ने कहा कि केवल 4 लेन बनाने से गरीब नहीं होंगे अमीर। झारखंड के सत्ताधारी दल कांग्रेस के विधायकों को कैश कांड में फंसे कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन बिक्सल कोंगाड़ी मामले में कोर्ट ने उनके हित में फैसला आने के बाद विधायकों में खुशी की लहर। कोर्ट के फैसले का कांग्रेस विधायकों ने स्वागत करते हुए किया धन्यवाद। विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि 3 विधायकों के लिए ये नए जीवन की शुरुआत है, ये जो फर्जी केस किया गया था उसमें कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। शांति का पैगाम लेकर 108 बौद्ध तीर्थ यात्रियों का जत्था शुक्रवार को पूर्वी चंपारण के विश्व प्रसिद्ध केसरिया बुद्ध स्तूप पर पहुंचा। केसरिया स्तूप पहुंचते ही फूलों की बारिश कर और माला पहनाकर तीर्थ यात्रियों का भव्य स्वागत किया गया, जिसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच बौद्ध यात्रियों ने बुद्ध स्तूप को प्रविभ्रमण करने के बाद शांति पाठ किया।
झारखंड में बर्ड फ्लू की दस्तक। झारखंड के बोकारो जिले में बर्ड फ्लू की आशंकाएं व्यक्त की गई हैं। तो वहीं झारखंड की कई जगहों पर बर्ड फ्लू का सैंपल लिया जा रहा है। आलम यह है कि बर्ड फ्लू झारखंड में पैर पसार रहा है। इस पर जब झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बर्ड फ्लू के मामलों पर सरकार की तैयारियों पर पत्रकारों से सवाल पूछा गया तो बन्ना गुप्ता ने कहा कि मुर्गा को ज्यादा आग में भूनकर खाओ, सब ठीक है। बर्ड फ्लू के कुछ मामले अभी समाचार पत्रों में प्रकाश में आए हैं। पशुपालन मंत्री इस पर तुरंत संज्ञान लेंगे और इसमें यथाउचित कार्रवाई करेंगे। डर रहे सर, भयभीत हैं। अरे कोई डरने वरने का जरूरत नहीं है, होली का माहौल है, भयभीत है। अरे जब जब बर्ड फ्लू आया तब तो हम ज्यादा मुर्गा खाए, ज्यादा उसको जो है ज्यादा आग में भून के खाना है।